रायनार और रायबरेली से अगर चुनाव जीते और ईवीएम के माध्यम से जीते, अगर आपको लगता है कि ईवीएम में अनियमितता है तब विलंब कहीं कारण कीजिए, मौका मिला है राजनीतिक निर्णय लीजिए, कहिए कि भाई हम ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है तो हम पार्लियामेंट पर भी भरोसा नहीं करेंगे। अगर उनको विश्वास नहीं है तो इस्तीफा कर दें 99 आदमी, कि अगर उस पर उनका विश्वास नहीं है तो 99 MP इस्तीफा कर दें और चुनाव आयोग से निवेदन करें कि अब हमारा चुनाव कराया जाए। केंद्र की NDA सरकार को अपनी बैसाखी पर चला रहे नीतीश कुमार कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, ऐसा दावा राजनीतिक विश्लेषक लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच JDU के दो बड़े नेताओं ने बड़ा बयान राहुल गांधी पर दिया है। बता दें कि दरअसल राहुल गांधी EVM पर सवाल उठा रहे थे। सबसे पहले एलन मस्क ने एक ट्वीट किया। एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए, इंसानों या AI द्वारा इसे हैक किया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है लेकिन फिर भी जोखिम बहुत बड़ा है। एलन मस्क के इस पोस्ट पर राहुल गांधी ने भी रिएक्ट किया और इसको रिपोस्ट करते हुए लिखा, भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल ने जैसे ही EVM पर अपने पोस्ट के जरिए सवाल उठाया, JDU ने हमला तेज कर दिया। JDU नेता नीरज कुमार और केंद्र में JDU कोटे से मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राहुल गांधी से ही उनका इस्तीफा मांगते हुए बयान दे दिया और कह दिया कि अगर राहुल गांधी को EVM पर भरोसा नहीं है तो राहुल गांधी जिस अंदाज में 2 लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं उनको दोनों जगहों से इस्तीफा दे देना चाहिए। रामनाथ ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के जीते हुए सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनको EVM पर भरोसा नहीं है। बयान सुनिए। बायनार और रायबरेली से अगर चुनाव जीते और EVM के माध्यम से जीते, अगर आपको लगता है कि EVM में अनियमितता है तब विलंब कहीं कारण कीजिए, मौका मिला है राजनीतिक निर्णय लीजिए, कहिए कि भाई हम EVM पर हमको भरोसा नहीं है तो हम पार्लियामेंट पर भी भरोसा नहीं करेंगे। कि 233 सीट जो ENDI गठबंधन जीता, क्या EVM मशीन में अगर अनियमितता थी, EVM मशीन में गड़बड़ियाँ थी तो वो जीत कैसे उन्होंने दर्ज किया? सवाल नंबर 2 कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस पर कोई टिप्पणी नहीं व्यक्त किया, कोई इससे असहमति व्यक्त नहीं किया, तो आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए। आपको जीत मिली है इसका भी एहसास आपको है कि नहीं है, या विपक्ष में बैठने की इतनी राजनीतिक पीड़ा है कि आप परेशान हैं? ENDI गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय दिल्ली में नहीं है। अब माननीय कपिल सब्बल साहब, आपकी बात विपक्ष के ENDI गठबंधन के लोग मानते हैं कि नहीं? मुख्य चुनाव आयुक्त के भूमिका पर या चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा करना यह बताता है कि राजनीतिक हताशा की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से EVM मामले पर बयान दिया उस पर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा, जहाँ जहाँ महाविकास आघाड़ी जीती वहाँ वहाँ EVM मशीनें सही से काम नहीं किया, लेकिन जहाँ हारते वहाँ कुछ नहीं बोलता। राहुल गांधी जी भी जगह जीते हैं, EVM रखी थी उनको है, वो दोबारा से चुनाव लड़ना। अभी तो माननीय राहुल गांधी जी को तय करना है ना कि बायनार और रायबरेली से अगर चुनाव जीते और EVM के माध्यम से जीते, अगर आपको लगता है कि EVM में अनियमितता है तब विलंब कहीं कारण कीजिए, मौका मिला है राजनीतिक निर्णय लीजिए, कहिए कि भाई हम EVM पर हमको भरोसा नहीं है तो हम पार्लियामेंट पर भी भरोसा नहीं करेंगे। अब देखिए, ये तो राज्य के अंदर का मामला है, राज्य सरकार को निश्चित रूप से चुनाव के पहले या चुनाव के बाद हिंसा होना दुखद है। राजनीति में प्रतिद्वंदी होना एक अलग बात है, लेकिन उसको हिंसात्मक स्वरूप देना यह निश्चित रूप से दुखद और चिंताजनक है। उनका काम है आरोप लगाना, उसी से तो 99 सीट जीते हैं ना, उसी से तो 99 सीट जीते हैं। अगर उनको विश्वास नहीं है तो इस्तीफा कर दें 99 आदमी,
चुनाव अधिकारी ने कहा कि ईवीएम हैकिंग कार्डों को खारिज किया। हाँ, सही किया। एलन मास्क भी, वो भी सवाल पहले खड़े किए, उसके बावजूद भी लोग आपको बता दिया ना कि अगर उस पर उनका विश्वास नहीं है तो 99 एमपी इस्तीफा कर दें और चुनाव आयोग से निवेदन करें कि अब हमारा चुनाव कराया जाए जिससे उनको संतुष्टि मिल जाए। बता दें कि राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग जेडीयू तो कर रही है, देखना होगा इस पूरे मामले पर कांग्रेस का रिएक्शन क्या कुछ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।